नया दिन, नई शुरुआत, नया कुछ सीखने सिखाने का दिन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं अपनी लाइव क्लास की जो तैयारी कर रही हूँ, उसमें कुछ केले वगैरह के पत्ते मैंने यूज़ किए थे, तो जो मैं तोड़ तोड़ के ला रही थी तो काफ़ी गंदगी यहाँ गिर गई थी, तो बस उसको ही फाइनल क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि आजकल ना चींटी वगैरह बहुत हो गई है और बहुत दिक्कत होती है मीठे वगैरह से अगर काम करते हो तो। इसमें मेरी ना यागारो का जो इलेक्ट्रिक स्पिन मॉप है वो काफ़ी हेल्प करता है फ्रेंड्स। मैंने इसके जो वाटर टैंक है ना उसमें पानी भर दिया और उससे ना आराम से मैंने गीला करके ना जो है पोछा लगा दिया। अब यहाँ कोई भी गंदगी हो, कुछ भी हो, ये झटपट साफ कर देगा। प्लस इसमें LED लाइट भी है, तो उसकी मदद से क्या होता है, जहाँ मेरा हाथ या नज़र नहीं पहुँचती, ये आराम से झटपट जा करके क्लीन कर देता है, चाहे वो किनारे हो, जिद्दी कॉर्नर हो। तो मतलब मेरी बहुत हेल्प करता है ऐसे बिजी शेड्यूल में काम करने में। तो अगर आपको भी ये प्रोडक्ट लेना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, पिछले ब्लॉग में मैंने आपके संग शेयर किया था कि मैंने थोड़ी सी चीज़ें कुछ मंगाई हैं अभी मौसम को देखते हुए, तो ले आई हूँ अपना पिटारा। और जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही यूजफुल सी चीज़ें लाई हूँ और अभी एक एक करके दिखाऊंगी, प्राइसिंग भी बताऊंगी और पहन के भी दिखाऊंगी। इस समय ना फ्रेंड्स मेरे घर में कोई नहीं होता, मतलब बच्चे स्कूल, हस्बैंड ऑफिस, और ये वाला टाइम ना मेरे ब्लॉग शूट, मेरी वीडियो की एडिटिंग या मैं अपनी जो लाइव क्लासेस लेती हूँ उनकी तैयारी करने का होता है। तो बड़ा सुकून सा मिलता है। और अगर आप मेरी तारा मधु की रसोई की लाइव क्लासेस नहीं देखते हो तो जरूर देखा करो फ्रेंड्स, बहुत ही मजेदार होती हैं। इतनी नई नई चीजें मैं सिखाती हूँ और बनाती हूँ कि बस मजा आ जाएगा। और अब तो रात को 9 बजे बेकिंग क्लास भी होती है, तो जरूर ज्वाइन करना। तो ये मैंने मंगाया है फ्रॉम देसी यू। आप सभी जानते हैं मैं जो भी पहनती हूँ सब कुछ देसी यू साइट से मंगाती हूँ, और उसका जो परचेजिंग लिंक है वो इस वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ऑलरेडी, तो आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अभी मैंने कौन सा नया लेटेस्ट सामान मंगाया है वो मैं एक एक करके दिखाती हूँ आपको। तो पहले कुछ कॉटन के दिखाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि कॉटन के कपड़े ऐसे होते हैं जो सदाबहार होते हैं। गर्मी में पहनो, बरसात में पहनो, ह्यूमिडिटी वाले मौसम में पहनो, इवन विंटर्स में भी मैं पहनती हूँ। एक्चुअली फ्रेंकली स्पीकिंग मैं वुलन क्लोथ्स पहन ही नहीं सकती फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ना रैशेज हो जाते हैं। तो मैं कोई भी सॉफ्ट टेक्सचर देखती हूँ कपड़ों का कि जो मुझे रैशेज ना दे। और विंटर्स में कुछ होते हैं ना सेमी वाले कपड़े या जो वेलवेटी टोन के होते हैं, वो कुछ मैं मंगाना पसंद करती हूँ। वैसे ही मैंने कुछ मंगाया भी है, बट कॉटन ऑल टाइम फेवरेट है। तो आज ये दो कलर्स मुझे बहुत पसंद आए, एक एक करके दिखाती हूँ। पहला है ये बॉटल ग्रीन कलर, दिख रहा है आपको, या खोल के दिखा देती हूँ, पहन के बाहर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा सूट है इसका। और ये इसका दुपट्टा है, कॉटन का है फ्रेंड्स, प्योर कॉटन का। और ये है इसकी प्लाजो पैंट। इसकी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ, बजट फ्रेंडली है आप सभी जानते हो, और मैं अपनी लाइव क्लासेस में इन्हें पहनती हूँ तो आपको इनके बारे में आइडिया भी है। ये प्योर कॉटन क्वालिटी का सूट सेट है जिसकी एम्ब्रॉयडरी नेक पर है, और इसमें दो कलर है, एक ग्रीन और येलो, दोनों ही मंगा लिए क्योंकि दोनों का डिजाइन बहुत ही प्यारा है। साइज इसमें मीडियम से 3XL तक मिल जाएगा, तो कोई भी अपनी चॉइस का मंगाइए। और मेरे कुछ व्यूअर्स पूछ रहे थे मैम आप कौन सा पहनती है, तो मैं L साइज मंगाती हूँ, मीडियम में भी फिट होती हूँ बट थोड़ा कंफर्टेबल लुक रहे उसके लिए मैं लार्ज मंगाती हूँ। और इसकी प्राइस ना 850, वो भी फ्री शिपिंग। तो कोई भी मंगवाओ, चाहे येलो चाहे ग्रीन, फ्री शिपिंग में आपको ये 850 का मिलेगा। और येलो फ्रेंड्स मेरी वीकनेस है, आप सभी जानते हो, थर्सडे के दिन मुझे येलो जरूर चाहिए होता है, तो जब भी इनके कलेक्शन में येलो आता है ना मैं मंगा लेती हूँ। तो आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा वो मुझे जरूर से जरूर बताना, है ना, बढ़िया लग रहा है। ये इसकी पैंट है और ये है इसकी दुपट्टा, ठीक है। तो ये दोनों ही सूट का कॉटन का है, मीडियम से 3XL में है, मिल जाएगा, आराम से ले सकते। ये हमारे हो गए कॉटन के सेट। अब मैं आपको दिखाती हूँ विंटर स्पेशल, जिसको मेरे जैसा क्या कोई भी पहन सकता है, जिसको रैशेस वगैरह विंटर्स में हो जाते हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो फ्रेंड्स सूट,
और इसको ना मैंने आते ही ट्रायल किया था, बड़ा ही कंफर्टेबल है, मैं क्या बताऊं। और अभी थोड़ी सी सर्दियां होने दो, मैं अपनी लाइव क्लास में इसको आपको पहन के इसकी पूरी लुक और दिखाऊंगी, मतलब अभी भी दिखा दूंगी, पर पहन के काम भी आराम से कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, वो भी दिखाऊंगी। तो ये है ये सूट, और कलर देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा ग्रीन वाला है, और ये ग्रीन ना मतलब बॉटल ग्रीन के आसपास वाला है, और कलर जो डिजाइन है वो देखो नीचे पैनल पे भी है और ऊपर भी है, ठीक है। और अंदर से भी देखो फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट है, कहीं पे भी किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इसकी पैंट है और दुपट्टा भी है फ्रेंड्स, तो ये कैसे कैरी कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और इसकी डिटेल बता देती हूँ क्योंकि मुझे पता है अभी विंटर है और सभी को विंटर स्पेशल चीजों की ना अभी जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये जो सूट है वो वेलवेट का है विद स्टोल, स्टोल भी है, स्टोल को आप कैसे भी ले लो, एज अ मफलर स्टाइल यूज कर लो, जैसे भी यूज करना है कर सकते हो। और इसमें ना अलग अलग पैटर्न्स अवेलेबल हैं, तो मुझे अभी फिलहाल में ये वाला पसंद आया तो मैंने ये मंगाया है, बट आपको कोई और पैटर्न पसंद है तो आप देसी यू की साइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, या जो मैंने नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में उस पर भी मैसेज करके आप ले सकते हो। अब सारी चीजें तो मैं मंगा नहीं सकती ना, और इसके अंदर जो प्राइस है वो 899 है फ्रेंड्स, विंटर का स्टिच्ड किया हुआ वेलवेट का सूट विद स्टॉल कहाँ मिलेगा 899 में, और वो भी फ्री शिपिंग, और इसमें फ्री साइज अप टू 2XL तक आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने कुछ स्टफ मंगाया था, अभी मैं इसको पहन के आपको दिखाती हूँ बाहर चल के, और फिर कुछ आगे बातें करेंगे। तो ये है फ्रेंड्स कॉटन का ये येलो सूट, देखने में बहुत ही सुंदर है, कॉटन का प्यारा सा दुपट्टा है। आप कहीं स्कूल में अगर जाते हो, टीचिंग वगैरह करते हो, या किसी ऑफिस में काम करते हो तो सबसे बेस्ट है ये फ्रेंड्स। अच्छे से 3x4 इसकी स्लीव है, कंफर्टेबल है, पैंट भी है, और सबसे अच्छी बात इतने कम प्राइस में स्टिच्ड है, फ्री शिपिंग आपको घर पर मिल रहा है। तो दोनों ही कलर बहुत प्यारे हैं, मैंने दोनों ही मंगा लिए। आपको कौन सा पसंद आया मुझे जरूर कमेंट करके बताना, और मेरे ऊपर कौन सा अच्छा लग रहा है वो भी बताना, क्योंकि बोलते हैं ना फ्रेंड्स कपड़े दूसरों की चॉइस के भी कभी कभी पहनने चाहिए। और यहाँ पर ये है हमारा विंटर स्पेशल जिसमें एक स्टॉल भी है, और इससे भी ना काफी प्यारी एक लुक लग रही है, आप इसे मफलर की तरह भी यूज कर सकते हो, अलग अलग कलर में ट्राई करना। मुझे ये वाला कलर बहुत पसंद आया तो मैंने ये ले लिया है। अभी जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी ना तो इसको मैं अपनी लाइव क्लासेस में पहनूंगी, तो आप बताइएगा ये आपको कैसा लगा। तो आपको जो भी इनमें से पसंद हो वो ले सकते हो फ्रेंड्स। और आजकल ना थोड़ा मौसम ऐसे ही है, तो मेरा तो गले का आपको पता ही है प्रॉब्लम रहता है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है तो मैं लाइव भी नहीं आती हूँ। तो आपको अगर कोई रेमेडी ऐसी पता हो जो मेरे गले के लिए ठीक हो वो मुझे जरूर बताना, पर एक चीज ध्यान में रख लेना फ्रेंड्स, मुझे सर्दी जुकाम वाला गला खराब नहीं है, मेरा गला जो खराब होता है वो बोलने की वजह से होता है। तो बहुत से लोग ना मुझे सजेशन देते हैं कि आप कंठ सुधारक वटी या बुलेठी या काली मिर्ची सौंफ ये सब खाओ, बट फ्रेंड्स रियली मैं डॉक्टर से कंसल्ट कर चुकी हूँ, ये सारी रेमेडीज मैं कर चुकी हूँ और इससे कोई फर्क नहीं होता। मैं एक पंप लेती हूँ जिससे कि मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिले, मेरे गले में जो वोकल कॉर्ड है ना उसमें स्वेलिंग आ जाती है बोलने से, तो उसका जो उपाय है वो रेस्ट है। और आप सभी जानते हो मैं जिस प्रोफेशन में हूँ वहां वॉइस को रेस्ट देना पॉसिबल नहीं, अगर लाइव नहीं तो मुझे वीडियो में बोलना पड़ेगा, और अगर मैं लाइव नहीं भी आती हूँ या मैं वीडियो में भी नहीं बोलती हूँ तो मेरे घर में मुझे अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ बोलना ही पड़ता है। तो कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा हॉस्पिटल, कोई ऐसा जगह आपको पता हो जहाँ इसका इलाज हो सकता हो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि जो मैं जहाँ रहती हूँ वहां मैंने सब जगह कंसल्ट किया, दे रिकमेंडेड टू टेक कंप्लीट रेस्ट, बोलो नहीं है या फिर आप सर्जरी ले लीजिए, बट सर्जरी भी बैंड फ्रेंड्स बहुत रिस्की है, हो सकता है मेरी आवाज ही चली जाए। तो प्लीज इसके ऊपर अगर कोई आपको ठीक सा कुछ उपाय पता हो, या आपके आसपास आपके फैमिली में कभी आपने इस तरीके की किसी को प्रॉब्लम देखी हो तो मुझे जरूर इसका सॉल्यूशन दीजिएगा, क्योंकि मेरी जो टेरिटरी है वो थोड़ी लिमिटेड है, लेकिन आप लोगों से कनेक्ट होकर के बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी, और हो सके तो शायद मुझे कोई ना कोई इसका उपाय भी मिल जाएगा। तो जरूर इस पर देखिएगा, और ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इनमें से कोई भी क्लोथिंग आपको पसंद आई हो तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ऐड कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग, कीप बेकिंग, कीप शॉपिंग एंड कीप एंजॉयिंग।